नमस्ते दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि केस ऑफ पोल्स ऑन द रियल एक्सिस, यानी कि जब रियल एक्सिस लाइन पे पोल्स होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक डायरेक्ट रेजर था। वो क्या था कि अगर हमारा अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन है और रियल एक्सिस लाइन के ऊपर अगर पोल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग आप रेसिड्यू निकालते थे और 2π i से मल्टीप्लाई कर देते थे। फिर क्या करते थे कि जो आपके रियल एक्सिस लाइन पे जो पोल्स आते थे आप उनके करेस्पॉन्डिंग भी क्या निकालते थे, रेसिड्यू, और रेसिड्यू निकालने के बाद पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये कहां पे हम लोग निकालते थे, रियल एक्सिस लाइन पे और सम कर देते थे तो हमें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट fx dx की वैल्यू मिल जाती थी। ये डायरेक्ट रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था। मगर ये जो हम लोगों का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या आगे और भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं यूज करने वाले। हम लोग एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे और कोई भी डायरेक्ट रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे कि अगर रियल एक्सिस लाइन पे पोल्स हो तो विदाउट यूजिंग डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सबसे पहला काम हम लोगों को माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सॉल्व करना आता है, तो अगर हो सकेगा तो हम लोग इसको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट बनाएंगे, यानी कि जीरो से इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स जो दिया हुआ है, आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या, हाफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब आप देखिए ये हम लोग कब लिख सकते हैं कि जब हमारा फंक्शन इवन हो। आप देखिए इवन फंक्शन क्या होता है कि एफ एक्स एफ माइनस एक्स के इक्वल हो। साइन हमारा ऑड फंक्शन है तो यहां से एक माइनस निकलेगा, एक्स में भी अगर आप डालेंगे तो एक यहां से भी माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में आप माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि ये फंक्शन हमारा क्या है, इवन फंक्शन, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हाफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। ये रही बात। अब आपको बताया है मैंने कि अगर आपका न्यूमरेटर में साइन या कोसाइन फंक्शन हो आप कुछ ना करिए, आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करिए। वो कैसे, देखिए इसको, हाफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर आयोटा एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। यानी कि क्या किया हमने, हमने किया ये कि यहां पे अब इसका मतलब आप अगर आप समझे इसको, e की पावर आयोटा एक्स अगर यूलर फॉर्म में देखें तो कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स होगा। आप इसका इमेजिनरी पार्ट लीजिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा एक्स क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स। तो यानी कि e की पावर आयोटा एक्स 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप यहां पे इमेजिनरी पार्ट आपको लेना है किसका, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर आयोटा एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कि आप क्या करेंगे, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है ये वाला, हम लोगों का टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे और उसको हाफ से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कंसिडर the integral, यानी कि consider the integral, integration along c fz dz। ये fz है क्या हमारा, यही function जो integrand है इसको corresponding z में लिखिए, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां z,
यानी कि e की पावर आयोटा z, ये यहां पे x है तो यहां पे z, यहां पे x स्क्वायर है तो यहां पे हो जाएगा z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, dx है यहां हो जाएगा dz, तो fz हमारा क्या है e की पावर आयोटा z, z z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब बात आती कि c क्या है हमारा, तो c हमारा वेयर c इज द कॉन्टूर कॉन्टूर कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ दी ऑफ दी, यानी कि सी हमारा कॉन्टूर है। अभी तक हम लोगों ने जैसे पढ़ा था वो क्या था, हम लोग क्या करते थे, यहां पे मैं बनाता हूं इसको, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये हम लोग ये बना रहे हैं अपर हाफ ऑफ दी जेड प्लेन, तो ये होता था रियल पार्ट ऑफ जेड और ये होता था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। हम लोग अभी तक सी कैसा डिफाइन करे हुए थे, हम लोग जो सी डिफाइन किए हुए थे इसको मैं ब्लैक से ही बनाता हूं, वो ये था कि हमारा सी दो चीजों से मिलके बना होता था, एक हमारा सेमी सर्कल और दूसरा हमारी माइनस आर से आर जाने वाली लाइन, माइनस आर से आर, यानी कि सी हमारा क्या होता था अभी तक, सेमी सर्कल सी आर और यूनियन माइनस आर से आर हमारी लाइन सेगमेंट, इन दोनों से मिलके हमारा सी बनता है, यानी कि सेमी सर्कल और लाइन सेगमेंट रियल एक्सिस लाइन की माइनस आर से आर। मगर अभी रुकिए, यहां पे हम लोग काम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है यानी कि ये जो इंटीग्रैंड है इसके आप पहले पोल्स निकालिए, तो हम लोग सबसे पहले पोल्स निकालते हैं इसके, तो पोल्स ऑफ एफ जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा जेड 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर गिवन बाय हमारा रेशनल फंक्शन है। अगर आपको इसके क्या कहते हैं पोल्स निकालने तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिनोमिनेटर को जीरो कर देना होगा, तो जब डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो आपको फंक्शंस के पोल्स मिल जाएंगे, तो जेड जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दैट इज जेड z प्लस आयोटा a z माइनस आयोटा a इक्वल टू जीरो, तो यानी कि हमारे पोल्स क्या आए, जीरो आए माइनस आयोटा a आए और आयोटा a आए, ये हमारे क्या है पोल्स है किसके फंक्शन के। अभी तक हम लोग ने क्या बात किया है कि हम लोग सिर्फ वही पोल्स कंसीडर करेंगे जो अपर हाफ ऑफ द z प्लेन के होंगे, तो माइनस आयोटा a पिक्चर से बाहर हो जाता है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a हमारा पॉजिटिव है, तो माइनस आयोटा a हमारा अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन के ऊपर तो आएगा नहीं, ये रियल एक्सिस लाइन के नीचे आएगा, तो इसको लेना देना नहीं। आयोटा a हमारा कहां पे है, आयोटा a हमारा कुछ यहां पे होगा, ये होगा z इक्वल टू आयोटा a, ये हमारा अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन में और c के अंदर है। अब z इक्वल टू जीरो भी हमारा पोल है और ये हमारा रियल एक्सिस लाइन पे है, कहां पे है, ये हमारा रियल एक्सिस लाइन पे है, यानी कि z इक्वल टू जीरो रियल एक्सिस लाइन पे है। तो अब आप ध्यान से देखें अगर इसको, तो ये पाएंगे कि हमारा ये जो क्लोज कॉन्टूर c है इसके बाउंड्री पे हमारा पोल आ रहा है, तो कॉशी रेसिड्यू थ्योरम लगाना अब मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि कॉशी रेसिड्यू थ्योरम लगाने के लिए हमारे अंदर होना चाहिए, इसकी बाउंड्री पे नहीं होना चाहिए, मगर अब हमारी बाउंड्री पे भी आ रहा है पोल, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना फिगर जो क्लोज कॉन्टूर सी है इसको इस प्रकार से बनाएंगे कि ये पोल से हम लोग दूर हट के चलें, यानी कि जहां पे ये पोल है वहां से हम लोग ये लाइन हटा देंगे और एक ऐसा सेमी सर्कल छोटा सा बनाएंगे, यानी कि जो ऐसे जाके ऐसे मिल जाए, यानी कि अगर सेमी सर्कल इसको भी थोड़ा सा अच्छा अगर हम करें, थोड़ा सा देखने में नहीं सही लग रहा है, ये देखिए क्योंकि इसको भी थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, ये हमारा सेमी सर्कल है
तो हमने क्या किया कि जहां पे हमारा पोल था वहां से हमने उसकी लाइन इरेज कर दी, और क्या किया ऐसे हमने ज्वाइन किया, यानी कि ये पोल से हट के हम लोग आए। तो अब देखेंगे कि हमारा ये जो सी है इसके बाउंड्री पे कोई पोल नहीं है, पहले था तो हमने क्या किया वहां से लाइन हटा के इसको थोड़ा ऊपर से लिया, और ऐसा लिया कि एक सेमी सर्कल है, जैसा है ये छोटा सेमी सर्कल है, और ये जो सेमी सर्कल लिया है इसको नाम दे देते हैं हम लोग गामा। इसको क्या नाम दे देते हैं? गामा। और ये ऊपर वाला हमारा सेमी सर्कल सीआर है ही, और ये जो गामा हमने लिया है, ये छोटा वाला जो हमारा सेमी सर्कल है, इसका रेडियस आप लोग मान लीजिए आर है, स्मॉल आर, बड़े वाले का कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है। तो यानी कि अगर स्मॉल आर है तो इसमें जब हम आर ऐड करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा? स्मॉल आर। अब जेड इक्वल टू जीरो से आप आर पीछे जाओगे तो ये क्या होगा? ये होगा माइनस आर। क्यों? आप जीरो में जब आर ऐड करोगे तो आप यहां पहुंचोगे, जब आप जीरो में से आर डिस्टेंस घटाओगे तो आप इधर पहुंचोगे, इसलिए ये माइनस आर, ये आर। तो यानी कि हम लोगों ने काम क्या किया, रियल एक्सिस लाइन पे जहां पे हमारा पोल आया वहां से हमने अपनी लाइन को हटाया और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा बनाया कि हमारा पोल से हट के बने, तो हमारी बाउंड्री जो सी है इस पे हमारा कोई पोल ना है, ये काम किया हमने। अब क्या करेंगे कि हमारा ये जो सी है ये बहुत सारी चीजों से बना, यानी कि एक तो हमारी ये लाइन सेगमेंट माइनस आर से आर, यानी कि अगर हम लिखें फर्स्ट पार्ट ऑफ द रियल एक्सेस लाइन या रियल एक्सेस फ्रॉम माइनस आर से आर, माइनस आर से माइनस आर, यानी कि माइनस कैपिटल आर से कैपिटल आर, फिर यहां से एक हमारा सेमी सर्कल है, यानी कि मान लीजिए जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हुए आप चले यहां तक आए, अब यहां से हमारा सेमी सर्कल स्टार्ट है, तो यानी कि सी में हमारी एक चीज और है, यानी कि अपर हाफ ऑफ द स्मॉल सर्कल डिफाइंड, स्मॉल सर्कल नाम क्या है सर्कल का? गामा, डिफाइंड बाय मॉड जेड इक्वल टू स्मॉल आर, क्योंकि ये हमारा एक तरह सा सेमी सर्कल है जिसका सेंटर है जीरो और रेडियस है स्मॉल आर, यहां से चले यहां से चले, सेमी सर्कल खत्म, गामा। अब यहां से फिर से हमारी एक लाइन सेगमेंट है जो कि स्मॉल आर से कहां तक है? कैपिटल आर तक, ये। तो फिर लिखेंगे कि हमारा सी देखिए कितनी चीजों से बना है, पार्ट ऑफ द रियल एक्सेस फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर, यानी कि स्मॉल आर से कैपिटल आर। अब यहां से हमारा सेमी सर्कल सी आर स्टार्ट है, ये सेमी सर्कल सी आर स्टार्ट है, तो डी अपर हाफ ऑफ द लार्ज सर्कल सी आर डिफाइंड बाय मॉड जेड इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि सी हमारा चार चीजों से मिलके बना हुआ है, एक हमारी लाइन सेगमेंट माइनस आर से आर, फिर हमारा गामा, फिर हमारा लाइन सेगमेंट, फिर एक बड़ा वाला सेमी सर्कल, ये हमारा क्या है बना है सी, यानी कि इन चार चीजों से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एविडेंटली अब हमारा कॉची रेसिडुअल थ्योरम आराम से लग जाएगा, क्योंकि बाउंड्री पे हमारा कोई पोल नहीं है, z इक्वल टू जीरो
प्लस माइनस आयोटा आर सिंपल पोल्स ऑफ द एफ जेड, और हम ये भी लिख सकते हैं कि आउट ऑफ विच ओनली जेड इक्वल टू आयोटा ए लाइज इनसाइड सी, और सिर्फ सी के अंदर जो हमारा क्लोज कॉन्टूर सी जो इतनी सारी चीजों से मिलके बना हुआ है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जेड इक्वल टू आयोटा ए ही पोल है। कॉची रेसिडियो थ्योरम आप बेधड़क आप लगाइए। तो नाउ यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड, यानी कि ये जो सी है इसके अलोंग जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसको, फंक्शन एफ जेड को, तो ये किसके इक्वल होगा, हम लोगों के कॉची रेसिड्यू थ्योरम में क्या कहा जाता है कि अगर कोई क्लोज कॉन्टूर है और उसके अंदर कोई पोल है तो आप उसके करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालो, और वो रेसिड्यू निकाल के आप 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करो। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पोल है, अगर बहुत सारे होते तो उन सब के करेस्पॉन्डिंग हम लोग रेसिड्यू निकालते, उनका सम करते और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पोल है तो इसके करेस्पॉन्डिंग सिर्फ एक रेसिड्यू, तो आप इसको 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाई रेसिड्यू किसका, फंक्शन का z इक्वल टू आयोटा ए, ये आया। अब यहां पे आप देखिए ध्यान से, यहां पे एक चीज और आपको बता दूं फिर बोल्ड रब करके वहां से करूंगा। ये जो C है इसको आप ध्यान से देखिएगा, मानिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जर्नी हम लोगों को क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन अलोंग C का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम लोगों को पूरा एक चक्कर लगाना है, यानी कि एक पूरा कंप्लीट एक राउंड लेना है। तो मानिए ये जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से चले 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 यहां पहुंचे, यहां पे पहुंचे हम लोग, तो आप देखेंगे कि एक हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये क्या है हमारा, बहुत ध्यान से समझिए, वैसे मैं आप नेक्स्ट अलग से भी लिखूंगा, यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको, यानी कि हम लोग यहां से स्टार्ट हुए यहां से गए, तो ये क्या है हमारा माइनस आर से आर यहां से यहां गए। अब यहां पे फंक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, इमेजिनरी पार्ट कुछ है नहीं, एफ एक्स डी एक्स प्लस, यहां पे पहुंचे थोड़ा सा नाश्ता पानी किया, अब यहां से चालू हुए चलना, चल रहा है तो अब हमारा एक सेमी सर्कल चल रहा है, और किसके अलोंग जा रहे हैं हम लोग, गामा के अलोंग जा रहे हैं, डायरेक्शन देखिए ये जा रहा है, तो इंटीग्रेशन अलोंग गामा, गामा के अलोंग कर रहे हैं, अब यहां पे रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट है, तो एफ जेड डी जेड प्लस, यहां पे रुके। अब यहां से फिर हमारी एक लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुई है जो स्मॉल आर से कैपिटल आर जा रही है, हम लोग क्या, हम लोगों का मेन उद्देश्य क्या, हम लोगों को एक कंप्लीट राउंड लगाना है, तो जैसा जैसा हमारा कर्व है वैसा वैसा हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहां पे हमारा फिर से स्मॉल आर से कैपिटल आर, फिर से हम लोगों का इमेजिनरी पार्ट कुछ है नहीं क्योंकि हम लोग रियल एक्सिस लाइन पे चल रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां पहुंचे, यहां पे पहुंचे, अब यहां से हमारा सेमी सर्कल सी आर स्टार्ट हुआ, तो यानी किसके अलोंग चल रहे हैं हम लोग, बड़े वाले सेमी सर्कल के अलोंग यहां से, क्योंकि हम लोगों को मेन ये है कि पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है, तो यहां पे पहुंच गए हम लोग, अब यहां से चलना स्टार्ट हुए, क्या चला रहे हैं हम लोग, फंक्शन अपना इंटीग्रेशन अलोंग सी आर, और ये एफ जेड डी जेड होगा क्योंकि रियल पार्ट भी होगा इमेजिनरी पार्ट भी होगा। अब चलते आए कुछ और तो है नहीं, पहुंच गए अपने कहां पे, डेस्टिनी यानी कि फिनिश पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन अलोंग सी कर लिया,
यहां से गया ये गया, यानी कि इंटीग्रेशन अलोंग सी क्या है, ये इतनी सारी चीजों से मिलके बना है, और ये 2π i रेसिड्यू फंक्शन का z = i a। तो ये रहा, अभी तक हम लोगों ने कुछ भी ऐसा कोई नया काम नहीं किया है। क्या किया है, सिंपली हम लोगों ने पोल्स निकाले, पोल्स को लोकेट किया। हाँ, प्रॉब्लम आई थी यहां पे कि हमारे बाउंड्री पे आ रहा था पोल, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको चेंज किया, मॉडिफाई किया, और यहां से लाइन हटा के हमने एक सेमी सर्कल बनाया कि हम लोग पोल से हट जाए भैया, और हट के फिर हम लोगों ने बनाया और कॉची रेसिडी थ्योरम निकाली। अब सिंपली यहां पर हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है, तो बोर्ड रब करके मैं आपको वो करके दिखाता हूं। अब हम लोग यहां पे इतना तो पहुंच गए थे, ये हमने फिगर आपको फिर से ड्रॉ कर दिया जिससे हम लोग रेफरेंस ले पाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन अलोंग गामा fz dz की इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक रिजल्ट के बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है, उसको आप पहले एक बार हम लोग पढ़ते हैं फिर हम लोग यहां पे आते हैं। तो वो रिजल्ट क्या है, वो एक थ्योरम है हमारी, थ्योरम। वो थ्योरम कहती है कि लेट लिमिट जेड टेंडिंग टू ए, यानी कि इसमें समझ लेते हैं हम लोग क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि बोर्ड छोटा तो मैं अभी पढ़ाने के बाद इसको रब भी कर दूंगा। कि एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है, ठीक है, z = a हमारा क्या है, सेंटर है, इसको सेंटर मान के हमने एक सर्कल बनाया, ये, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, r। क्या कह रहे हैं कि लिमिट z टेंडिंग टू a, यानी कि जब z हमारा a को टेंड करे तो z - a fz जो है ये इक्वल है हमारा k के, यानी कि हमने लेट किया कि जब z टेंडिंग टू a z - a fz किसके इक्वल है, k के, एंड गामा बी द आर्क ऑफ द सर्कल मॉड z - a इक्वल टू आर, वेयर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, गामा हमारी आर्क है, यानी कि मान लीजिए जैसे ये इतनी जो है ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये हमारी सर्कल की आर्क है, रुकेगा ये, और ये एंगल हमारा थीटा है जो कि इनिशियल एंगल θ1 से θ2 के बीच में है। ये क्या है हमारा, ये जो रेड कलर से है ये आर्क है सर्कल का गामा। तो कह रहे हैं कि वेयर एंड गामा हमारा आर्क है सर्कल z - a = r का, वेयर थीटा जो है हमारा ये θ1 से ज्यादा और θ2 से कम। देन यानी कि अगर हमारा ये एक्सप्रेशन k के इक्वल है, यानी कि z - a fz k के इक्वल है जब लिमिट z टेंडिंग टू a है, तो अगर हम फंक्शन जो fz है इसको इंटीग्रेट करें किसके अलोंग, इस आर्क के अलोंग, गामा आर्क के अलोंग, अगर इंटीग्रेट करें किसको, fz dz को, तो ये इक्वल आएगा आयोटा, ये जो r का एंगल का डिफरेंस, यानी कि फाइनल एंगल हमारा θ2, यानी कि फाइनल θ2 इनिशियल में कितना है θ1 का डिफरेंस और k, ये इक्वल आएगा, यानी कि जब हम लोग आर्क
गामा के अलोंग फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, आयोटा थीटा टू माइनस थीटा वन के, यानी कि फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, और मल्टीप्लाई करा है आयोटा और के से। ये कब हो रहा है, जब हमारा ये जो सर्कल है इसका रेडियस जीरो को टेंड कर जाए, यानी कि लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो, यानी कि जब आर हमारा जीरो को टेंड करेगा, यानी कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस छोटा कर देंगे, बिल्कुल छोटा छोटा, बिल्कुल पॉइंट पे आ जाएगा, तो उस आर के अलावा जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आयोटा थीटा टू माइनस थीटा वन के। और आप नोट करिए ये के है क्या हमारा, नोट तो आप देखेंगे कि के हमारा कुछ नहीं है, जेड इक्वल टू ए एक हमारा सिंपल पोल है, उसके करेस्पॉन्डिंग हमने रेसिड्यू निकाला, यानी कि नोट के इज द रेसिड्यू एट ए इफ जेड इक्वल टू ए इज अ सिंपल पोल ऑफ एफ जेड, यानी कि z इक्वल टू ए अगर हमारा सिंपल पोल है तो k हमारा क्या है, रेसिड्यू एट पॉइंट ए, यानी कि अगर आप r के अलावा आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी फंक्शन को तो इसकी वैल्यू हमारी इक्वल होगी आयोटा फाइनल माइनस इनिशियल एंगल, और वो जो सर्कल है यानी कि जिस सर्कल का सेंटर, यानी जो r जिस सर्कल का हिस्सा है उस सेंटर का अगर वो सिंपल पोल है तो उसके करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसके इक्वल होगी कब, जब हमारा उस सर्कल का रेडियस जीरो को टेंड करे, यानी कि आर के अलावा। अब जरा आप यहां पे देखो, यहां पे भी एक हमारा सर्कल है मॉड जेड इक्वल टू स्मॉल आर, उसका एक आर के अलावा हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये आर हमारी सेमी सर्कल है, ये गामा, इसके अलावा हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अब इसको देखिएगा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये हमारी, यानी कि काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग z इक्वल टू जीरो हमारा सेंटर है, z इक्वल टू ए जैसे यहां पे सेंटर था, और यहां पे भी ये सिंपल पोल है, तो आप इसके करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालो, यानी कि नाउ लिमिट z टेंडिंग टू जीरो z माइनस जीरो एफ जेड, ये इक्वल, मैंने थ्योरम आपको स्टार्टिंग इसलिए नहीं कराई थी और सोचा ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान ही बताऊं कि हम लोग इसको यूज करते हुए देख पाए, सामने सामने और कंपैरिजन कर पाए। तो आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो जेड एफ जेड हमने निकाल, यहां पे देखा हुआ था क्या था, ई की पावर आयोटा जेड 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो वन जीरो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि एक हमारा तरह क्या है के, यही तो के हमारा है कि जेड माइनस यहां पे ए था यहां पे जीरो है, यानी कि सिंपल पोल जेड माइनस एफ जेड, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी के, और के हमने निकाल लिया वन अपॉन ए स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहां, ये हमारा आर्क है, यानी कि सेमी सर्कल भी एक तरह के सर्कल का एक आर्क ही तो है, तो इंटीग्रेशन अलोंग गामा एफ जेड डी जेड, यहां पे आप बच्चों देखो यहां पे एंगल हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेते हैं, तो यहां पे एंगल हमारा क्या है जीरो, क्या है जीरो, और ये सेमी सर्कल है तो यहां पे एंगल हमारा कितना है पाई, ठीक है। हम लोग चल किस डायरेक्शन में रहे, ऐसे जा रहे हैं, यानी कि पाई से हम लोग जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे फाइनल हमारा जो फाइनल एंगल क्या है वो जीरो है, और इनिशियल क्या है पाई, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पे फाइनल हमारा हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो यहां पे फाइनल एंगल हमारा जीरो है और इनिशियल एंगल हमारा पाई, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई के हमने निकाला वन अपॉन ए स्क्वायर,
और ये कब हो रहा है, जब ये जो सेमी सर्कल है इसका आप रेडियस जीरो कर दो, यानी कि लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो, यानी कि सेमी सर्कल का जो ये सेमी सर्कल बनाया है इसको बिल्कुल माइन्यूट कर दो, बिल्कुल ये पॉइंट छूता हुआ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि ये सेमी सर्कल है। ये तो हम लोग मैग्निफाइड इमेज देख रहे हैं इसकी, यानी कि इसका जब रेडियस जीरो को टेंड करेगा तो गामा सेमी सर्कल के अलावा जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ये रिजल्ट जो है इसका यूज करके देखा, ये आएगी माइनस पाई आयोटा ए स्क्वायर, माइनस पाई आयोटा ए स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के साथ हम लोगों ने ये थ्योरम भी पढ़ ली। बच्चों आप ये पॉज करके वीडियो इस थ्योरम को जरूर नोट कर लें, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे जब भी हम लोग ऐसे केसेस लेंगे जहां पे रियल एक्सिस लाइन पे हमारा पोल होगा। तो एक बार फिर से आप थ्योरम अच्छे से देख लें, मैं इसको रब कर रहा हूं। ये मैंने इसलिए अभी यहां पे बताई क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और यूज भी देख सकें, आपको ये ना लगे कि हम लोगों ने डायरेक्ट कैसे किया, थ्योरम पढ़ी फिर उसका यूज देखा। तो ठीक है, मैं बच्चों अब इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम तो हम लोगों ने सॉल्व कर ली कि हमें गामा के अलोंग मिल गया इंटीग्रेशन। अब एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं सेमी सर्कल, ये बड़े वाले सेमी सर्कल सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है कि सिंस वन अपॉन जेड जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा जीरो को जाएगा जब जेड हमारा इनफाइनाइट को जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब z इनफाइनाइट को जाएगा डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर में कोई डिग्री है ही नहीं, तो क्या जब z इनफाइनाइट को जाएगा तो ये हमारा जो है पार्ट ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो बाय और जॉर्डन्स लेमा हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बाय जॉर्डन्स लेमा। अगर आपको जॉर्डन्स लेमा पढ़ना है तो ऊपर आई बटन दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके उसको आप एक बार जरूर देखें। वैसे मैं आपको यहां पे भी समझा दूंगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इंटीग्रेशन यानी कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब एफ जेड हमारा जीरो को टेंड करेगा, जब जेड हमारा इनफाइनाइट को जाएगा, तो हमारा जॉर्डन लेमा कहता क्या, आप समझ लीजिए इसको, कि सेमी सर्कल के अलोंग यानी किसी आर के अलोंग आप इंटीग्रेट कर रहे हो ई की पावर आयोटा एम जेड एफ जेड को डी जेड को, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा जब हमारा ये सेमी सर्कल का रेडियस इनफाइनाइट होगा। यही बात है। अब यहां पे देखो एफ जेड हमारा ये है, हम लोग किसके अलोंग कर रहे हैं, सेमी सर्कल सी आर के अलोंग। एफ जेड है क्या, e की पावर आयोटा जेड 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पे एम की वैल्यू हमने वन कर दी है, वन कर दी है, तो यानी कि, और हाँ यहां पे एम हमारा क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव, और यहां पे एम हमारा वन है, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा जब लिमिट हमारी किधर जाएगी, जब हमारा सेमी सर्कल का रेडियस इनफाइनाइट को जाएगा, तो ये हमारा जीरो पे जाएगा। ये हो गया थर्ड। कैसे किया ये हमने देखा, क्योंकि हमारा क्या, जब जेड इनफाइनाइट पे जाए तो एफ जेड हमारा जीरो पे जाए। यहां पे मान लीजिए आप ये ना सोचें कि एफ जेड एज अ होल हमने लिया हुआ है, ये हिस्सा हमारा एफ जेड है, ये वन अपॉन जेड यानी e की पावर आयोटा z को हटा के छुपा दीजिए आप, जो बच रहा है वो हमारा ये है, वो पार्ट है फंक्शन का यानी कि f z। ये अगर जीरो पे जा रहा है जब z इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो जॉर्डन लेमा के अलोंग के थ्रू का यूज करेंगे तो देखेंगे कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो सेमी सर्कल के अलोंग और रेडियस इनफाइनाइट को टेंड करेंगे तो ये जीरो होगा। तो ये जॉर्डन लेमा भी हम लोगों ने रिकॉल कर ली अपनी। ये पार्ट सॉल्व हो गया, ये पार्ट सॉल्व हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, अब बहुत जल्दी हम लोग कर भी लेंगे इसको, अब कुछ भी काम नहीं है। सिंपल आप एक काम करते, पहले हम लोग रेसिड्यू निकाल लेते हैं जेड इक्वल टू एफ टाइप पे, सिंपल पोल है, तो यानी कि रेसिड्यू किसका, फंक्शन का जेड इक्वल टू आयोटा ए पे। आयोटा ए हमारा सिंपल पोल है, सिंपल पोल पे निकालने का तरीका क्या है, जिस पॉइंट पे निकालने वहां आपकी लिमिट टेंड करे, जेड माइनस आयोटा ए एफ जेड, एफ जेड हमारा दिया हुआ है ई की पावर आयोटा जेड 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो जेड प्लस आयोटा ए z माइनस आयोटा ए z
जेड माइनस आयोटा ए से जेड माइनस आयोटा ए कैंसिल आउट हो गया, लिमिट पुट करोगे आप बच्चों e की पावर आयोटा आयोटा स्क्वायर ए, ये आयोटा ए, ये आयोटा ए प्लस आयोटा ए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, ई की पावर माइनस ए, टू आयोटा ए आयोटा ए, आयोटा स्क्वायर हुआ माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा टू ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये हम लोगों ने रेसिड्यू निकाल लिया जेड इक्वल टू आयोटा ए पे। आप क्या करिए, टेकिंग आप ये जो गामा सर्कल है इसके अलोंग जो रेडियस है इसको जीरो कर दो, बड़े वाले सर्कल सेमी सर्कल है इसके कैपिटल आर रेडियस को इनफाइनाइट कर दो, टेकिंग आर टेंडिंग टू जीरो एंड कैपिटल आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड किसमें फर्स्ट में पुट कर दो, इन फर्स्ट वी गेट। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, ये कैपिटल आर इनफाइनाइट को जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ये स्मॉल आर हमारा जीरो को टेंड कर रहा है तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। एफ एक्स क्या है, यही फंक्शन है, जहां जहां जेड है वहां पे एक्स आ जाएगा, ई की पावर आयोटा एक्स 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ध्यान से देखिए, गामा के अलावा हमने देखा कि जब आर जीरो, आर जब जीरो स्मॉल आर जब जीरो को टेंड करेगा तो ये जीरो हो रहा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस पाई आई, माइनस पाई आई ए स्क्वायर, क्योंकि हम लोग लेके चल रहे हैं ना फर्स्ट में कि यार स्मॉल आर जीरो पे जा रहा है, इस पे आए इस पे क्या है स्मॉल आर हमारा जीरो पे जा रहा है, कैपिटल आर इनफाइनाइट को जा रहा है। एफ एक्स है क्या हमारा, ई की पावर आयोटा एक्स 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। सेमी सर्कल सी आर के अलावा इंटीग्रेट किया, जब कैपिटल आर इनफाइनाइट को जाएगा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, है हमारा क्या एफ जेड, तो ये जीरो हो गया। टू पाई आयोटा इसकी वैल्यू हमने निकाली माइनस ई की पावर माइनस ए, टू ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। अब क्या काम करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो से इनफाइनाइट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो ई की पावर आयोटा एक्स 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर आयोटा एक्स 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये माइनस पाई आई ए स्क्वायर है, इसको उधर ले जाओ आप, यानी कि ये पहले हुआ माइनस ई की पावर माइनस ए पाई आयोटा, कुछ नहीं किया है सिंपली ए स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो प्लस पाई आई ए स्क्वायर। आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर आयोटा एक्स 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे पाई आई ए स्क्वायर को बाहर ले लो, पाई आयोटा ए स्क्वायर को बाहर ले लिया तो वन माइनस ई की पावर माइनस ए, माइनस ई की पावर माइनस ए। अब क्या करो, आप इमेजिनरी पार्ट लो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया हुआ था किसकी वैल्यू आ गई, इसका इमेजिनरी पार्ट ले लो, e की पावर आयोटा एक्स 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो वैल्यू क्या आएगी, पूरा ही इमेजिनरी पार्ट है तो ये पाई ए स्क्वायर वन माइनस e की पावर माइनस ए। अब ये वैल्यू किसके है, आप हाफ भी करोगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए हाफ, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, तो ये टू ए स्क्वायर, तो जीरो से इनफाइनाइट साइन एक्स 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, जो कि हमारा था हाफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर आयोटा एक्स 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आई, निकाल ली है पाई टू ए स्क्वायर
वन माइनस ई की पावर माइनस ए, और यही हमारा आंसर। और आज हम लोगों ने एक नया रिजल्ट भी पढ़ा, और वो प्रीवियस रिजल्ट को छोड़ के हम लोगों ने अपने ऑर्थोडॉक्स टेक्निक लगा के इसको सॉल्व किया। अगर आपको इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जिस तरीके से आज मैंने सॉल्व किया, इसमें कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक दो इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।